नमो नुवे सौहरियंताणम नमो नुवे सौसुदानम नमो नुवे सौवायरियाणम नमो नुवे सौजायाणम नमो नुवे सौत्रिकावति श्रावणम ओंकारमिंदु संयुक्त नित्यं जयंती योगिना कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः मंगलम भगवान मंगलम गौतमोऽ मंगलम कुंकुमारी उजेन्द्रमोऽ सुमंगलम नमः सुमतिस्थानाय स्वानुभूत्यास्ति स्वाय भवाय सर्वा यहाँ सारा शास्त्र का सार 14 मूल में भर दिया है। 14 मूल तीन बार लिया है। एक तो 14 का नाम, पची 14 का थोड़ा पद में विस्तार, पची 14 में पद में श्लोक। आ 14 मूल में तीन बार लिया है, फैलाया है कि अनेकांति तत्न तत्व अनेक 14 नाम आ गया पहले। अरे 14 का विस्तार आते पड़ा, पची 14 का श्लोक आ गया। ऐसी चीज है, बुद्धा की बात इतने जरी जीनी पड़े चेतन बताओ। यहाँ सुधी आया है फिर नहीं पड़ा ठीक ऊपर से। इस प्रकार एक वस्तु में वस्तुत्व की उपजाने वाली परस्पर विरोध दो शक्तियों का प्रकाशन होना अनेकांत है। इतराग मार्ग अनेकांत है। अनेक अंत, अनेक अपेक्षा, अनेक धर्म, अनेक शक्ति, अनेक विस्तार। तो यहाँ कहते हैं आ महाशब्द है अमृतचंद्राचार्य। एक वस्तु में वस्तु का निपजाने वाला उपजाने वाली परस्पर विरुद्ध हो शक्ति। हाँ हाँ जी, नित है वही अनित है, एक है वही अनेक है। ऐसा दरेक तत्व में महात्म तत्व क्या यहाँ बात है। तो ये प्रकाशित होना अनेकांत है, अनेक अंत एक धर्म। इसलिए अपनी आत्मा वस्तु को भी, अपनी आत्मा वस्तु को कौन जारे दरेक वस्तु में ऐसा है तो अपने आत्मा में भी ज्ञान मात्र होने पर भी। ज्ञान मात्र आत्मा ज्ञानम स्वभाव विनायक भाव ऐसा होने पर भी तत्व तत्व एकत्व अनेकत्व सत्व सत्व नित्यत अनित प्रकाशता ही है। तथा 14 गुण दरेक में प्रकाशता है। पहले नाम आ गया था, फिर नाम दिया, फिर उसका विस्तार करते हैं। निकल छोड़ो जीमन भाई निकल। क्योंकि ज्ञान मात्र आत्मवस्तु के ज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा चैतन्य चंद्र अंदर सूर्य शाश्वत तीर्थंकर हो के चाहे तो तीर्थंकर की वाणी हो के चाहे तो शास्त्र हो चाहे तो साक्षात भगवान हो, ये अनंत ज्ञेय है। ज्ञान में
जानने लायक नहीं है, हैं? बाहर प्रकट होते हैं आनंद गिनी है तो प्राप्त आनंद गिनी है। एक राग का विकल्प भक्ति का राग का आया, इस राग से मानकर सारी दुनिया लोका लोक ये आत्मा का ज्ञान का वो ज्ञेय है, जानने लायक है, ज्ञेय रूप आत्मा नहीं। समझ में आया? अरे अपनी चीज को क्या है ये समझ में भी कभी लिया नहीं तो उसमें ठहरते तो कहां से, चारित्र तो कहां आया, चारित्र तो अलौकिक चीज है। हाँ समझे बिना चारित्र भारित्र है नहीं। कहते हैं कि आनंद गिने तो प्राप्त, स्वामी आनंद गिने है, एक और प्रभु ज्ञान है तो स्वामी आनंद गिने है, ज्ञान में जानने लायक आनंद गिने है, ये स्वरूप से भिन्न। हाँ हाँ प्राप्त स्वरूप से भिन्न भगवान, ऐसे परूप से द्वारा ज्ञान स्वरूप से भिन्न, ऐसे परद्रव्य के रूप द्वारा अतृप्त तत्व न है। वर्ग से द्वारा अतृप्त न है, शरीर से आत्मा नहीं, कर्म से आत्मा नहीं, राग से आत्मा नहीं, स्त्री कुटुंब परिवार लक्ष्मी पैसों धूड़ धानी उससे आत्मा नहीं। आप पहला बुलमा ज्ञान ने ज्ञेय की बात लिया है, पीछे सारा द्रव्य क्षेत्र का अभाव के पीछे लेगा, यहाँ तो पहले ये लिया है प्रभु तुम ज्ञान है न, जानन स्वभाव तेरा है न, और ते जानन स्वभाव से तेरा तत्पना तेपना तारापना तारापना है, ये जानन स्वभाव से तत्पना तारापना है, और ये ज्ञान से अनंत गिनेरी है, अनंत गिनेरी। ये तो प्राप्त ज्ञेय है, परंतु ये ज्ञेय स्वरूप से भिन्न, ये सर्वज्ञ परमात्मा उससे भी तुम भिन्न। उसकी वाणी उससे भी तुम भिन्न, शरीर से भिन्न, वाणी से भिन्न, कर्म से भिन्न, राग से भिन्न, ऐसे आनंद गिनेय, आनंद गिनेय, आनंद सिद्ध उससे भी तो रे भिन्न। आकल आ गए आप स्वरूप से ऐसे परूप से द्वारा ज्ञान स्वरूप से भिन्न, ऐसे परद्रव्य के रूप द्वारा अतपना है, अर्थात ज्ञान उस रूप नहीं है, भगवान ज्ञान जानने में जो ज्ञेय आते हैं, अपने शिवाय सर्व चीज सर्वज्ञपन परद्रव्य में जाते हैं। ये पर ज्ञेय में जाते हैं, ज्ञान में तो आत्मा एक किला, ज्ञान स्वरूप का पिंड प्रभु, वो ज्ञान में जो जानने में आता है ये अनंत ज्ञेय है, जानने लायक चीज अनंत है, पर ये अनंत चीज से तेरी चीज भिन्न है। अरे नरकार क्या किया, अनंत काल चल गया, अतपना है, क्या आया है, कल आया था। दूसरा ज्ञान उस रूप नहीं है, अतत इतने ज्ञान ज्ञेय रूप नहीं है, ज्ञेय नाम पंच परमेश्वरी देव गुरु शास्त्र शरीर वाणी कर्म कुटुम्ब ये आनंद ज्ञेय, ये आनंद ज्ञेय रूप से तुम है नहीं।
समझ में आया? ये तो कल आया, आज दूसरी बात। एक अनेक वो तत् अतत् अपनापण है और ज्ञान में जानने लायक आनंद ज्ञेय है। स्त्री कुटुंब परिवार शरीर कर्म देव गुरु शास्त्र सब आनंद ज्ञेय है, ये पर है। उससे तुम अतत है, उससे तुम है नहीं। अत्यारे ज्ञान ने ज्ञेय बे बीच की बात है। दृक्षित्र काल भाव आखा अपना दृश्य है न पर दृश्य नहीं, ये अत्यारे नहीं। ये आया तो ज्ञान मात्र ज्ञान ने ज्ञेय है तो ज्ञान दृढ़ आखे। जानम स्वभाव मात्र भगवान, वो ज्ञान मात्र तुम है, ये तत् है, ते है, ते पना है, तेरा पना है। और ये ज्ञान में जो आनंद गिरी राग से मानकर अनंत ज्ञेय सर्वज्ञ परमात्मा पण आनंद ज्ञेय में जो जाते हैं, ये आनंद ज्ञेय पण है तुम नहीं है, ये अतत्पणा है। समझ में आया? अब एक ही बे बोल हुआ, अरे दूसरा बे बोल। चार बार बात लिया है, दलाई नाम आ गया, पक्षी नाम में ना विस्तार निपति चार श्लोक कल श्लोक होगा, सार में सार माखन है। बीजो बोल, सात सहभूत सात ही वर्त प्रवर्तमान अने कर्मश प्रवर्तमान आनंद चैतन अंशों के समुदाय रूप अविभाग द्रव्य के द्वारा एकत्व है। ऐसे आया क्या? साथ में रहने वाला सभूत प्रवर्तमान गुण अनंत गुणों साथ में रहते हैं और क्रमशः अनंत गुण की पर्याय होती है, अनंत गुण की अनंती पर्याय होती है। ये सभूत प्रवर्तमान ये गुण, क्रमश प्रवर्तमान ये पर्याय, ये दोनों के अनंत चैतन अंश हो, ये अनंत चैतन अंश आत्मा में अनंत गुण है, ये भी अनंत अंश हुआ आत्मा द्रव्य में, उसमें अंश हुआ। और पर्याय भी परिणाम भी टिकाल की पर्याय, कोई समय भी कोई द्रव्य पर्याय से खाली नहीं। ये पर्याय से अंशों के समुदाय रूप ऐसा गुण ने पर्याय नो समुदाय। अविभाग द्रव्य के द्वारा एक गुण ने पर्याय नो समुदाय में भाग नहीं, ये एक रूप है। समझ में आया? अनंत गुण और अनंत ही पर्याय है दरेक द्रव्य में, वो अपेक्षा से यहाँ के एक रूप ये समुदाय का अनंत गुण समुदाय अनंत पर्याय समुदाय का एक रूप है, ये अपेक्षा भगवान आत्मा एक रूप है। समुदाय लिया न, अंशों के समुदाय रूप अविभाग जिसका भाग नहीं ऐसा द्रव्य के द्वारा एकत्व है। ऐसे द्रव्य वस्तु के वस्तु द्वारा एकत्व है। जिम्मे थी तो लेवाई से भाई भाई नु के हूं एम तू हिर रवे नु क्या परिशिष वाचू नहीं वाचू छे ये अत्यारे छपात नहीं आ नव मंत्र ये छापा पुस्तक छपाते ना मुंबई से तो आप मंत्राए तो पुस्तक छपाएगा उतरना उतरते हैं उसमें से उतार के ला ये हीरा भाई ये कहते
परिशिष्ट हाँ तो 19वें बार नवी बार चलते हैं। कहते हैं कि तुम तेरा स्वभाव आनंद गुण जो है अंश और अनंत पर्यायी ये भी अंश उसका समुदाय रूप एक रूप है। अनंत गुण ने अनंती पर्याय उसका समुदाय इसका एक रूप ये अपेक्षा ये आत्मा एक है। अरे सद वस्तु खाने पड़े नहीं विचार में आवे नहीं प्रभु तारे क्या जाऊं। अरे रे जोराशी ना उतार प्रभु ते अनंत वार किया क्या नरक ने निरोध कीड़ा ने कागड़ा कागड़ा कौवा अनंत भोग किया। अने मील है ना मील होता है ना शेड मील होता है ना मील कारखाना उसके बाद पानी भरते होज कि होज में मिंदड़ी ने कुचरा पड़ते हैं मरी जाते हैं। भले ही 5-10 लाख कमाए 12 महीने पर ये होज पानी का ऐसा ऊना 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 होता है कि कुत्ता निकले अंदर पीवा जाए पड़ जाए मरी जाए। मोटा मीर मालिक जैसे उधम सिंह मुंबई में आए भाव अहमदाबाद में मीर आई भावनगर में आए सब आते थे आई भावनगर आवे तो आवता है आवे तो खरा। हाँ श्रीमद राजचंद्र ना अनुयायी अहिया कहते हैं प्रभु साथ में रहने वाला अनंत गुण ज्ञान दर्शन आनंद शांति स्वस्थता एक साथ में आत्मा में रहने वाला गुण और उसकी अनंती पर्याय अनंता गुणनी अनंती अवस्था वर्तमान अंश प्रकट ये सबका समुदाय एक है। समुदाय तरीके एक है है और अविभाग एक द्रव्य में ये द्रव्य में भाग तो पड़ते नहीं अविभाग विभाग नहीं ऐसे द्रव्य में एक द्रव्य में व्याप्त सभूत प्रवर्तमान अने कर्मश प्रवर्तमान अणु चैतन्य अंश रूप पर्याय द्वारा अनेकत्व है। क्या किया ये कि अनंत गुण ने अनंती परणंती पर्याय अनंती एक समय में दरेक द्रव्य होती है। कोई पण पदार्थ अनंती पर्याय ने अनंत गुण बिना का है नहीं तो कहते हैं कि अनंत गुण ने अनंती पर्याय को समुदाय वो एक रूप है ये अपेक्षा है तुम एक रूप है पण गुण ने पर्याय ना अंशनी अपेक्षाएं गई है तो तुम अनेक रूप है एक है ये अनेक है। है अनेक तो है चैतन्य के अनंत अंशों का पर्यायों के द्वारा दरेक द्रव्य में कोई समय पर्याय न हो एम तनकाल में बने नहीं तो ये भी अनंती पर्याय नो समुदाय पिंड अने अनंत गुण का पिंड ये अपेक्षा समुदाय तरीके एक है पर गुण ने पर्याय ना अंश भेद तरीके अनेक है एक है सोई अनेक है। हा आया
एक अनेक, यानी एक समय में आत्मा में है, ऐसा 14 बोल एक समय में है। ऐसी दृष्टि करे तो सम्यक दर्शन था। ऐसा तत्व जो है एक अनेक तत् अतत् चार बोलता हुआ, 10 बोल बाकी, अरे एक साथ ही 8 बोल लेगा क्या है देखो। अपने शांति से धीरे से पकड़ना प्रभु, हा तो अलौकिक धर्म नो भाव है, भवना अभाव करने की चीज है प्रभु, बाकी तो भाव करके करके मरी गई मार के ना भाव। एक क्षण ना दुख, नरक सात नरक में प्रभु अनंत बार गए, भूल गई इतने नहीं था, इसका तो हम दर्शन देते हैं कि तुम्हारा जन्म हुआ तुम बार मास में क्या हुआ खबर है बताओ मानिकन जी, क्या किया जन्म हुआ जन्म पीछे बार मास माता ही क्या नवराया क्या नवराया क्या क्या खबर है खबर नहीं है कि नहीं थी। ये चीज की खबर नहीं, ये चीज नहीं थी, एम कौन कहे तुम नहीं है। आए तो प्रभु मार्ग ना जुदा है, कोई आखिर दुनिया से जुदा है। तुम कह गया कि हमको तो ये खबर पड़ती नहीं भूतकाल किया, खबर नहीं पड़ती पार्टी नहीं है अपन में, ऐसे कैसे कहने में आता है। तो तुम्हारा जन्म पीछे 12 मास में तुम्हारा माता ये तुम्हें तुम के कैसे जमाया, जंगल जाते हैं दरबार शेष दरबार आ गया शेष नहीं तो दरबार भी आते हैं मानो बालक हो 8 महीना 10 महीना ये जंगल जाए, जंगल कई चीज आई जो दिखाए कोई बे पग लंबा करी माता अने बे पग नी वच्चे बेहारे ऊपर अने जंगल दिखाए, हम तो सब एक ही एक ही बात परीक्षा करके दिखाए। छोटा बालक क्या बालक ने आ किया बालक है उसको जंगल जाते छोटे क्या कई रीते जाते दूध दिखाए यानी माता दो पग लंबा करे अने पग ऊपर बैसा रहे बीच में खाओ। तो ये बात की खबर है तुमको तो नहीं है तो ना था खबर नहीं है मत नहीं था ये कौन कहते हैं। हम आनंद भव में आनंद दुख भोग गया ये खबर नहीं मत नहीं है हम कौन कहते हैं। मठुराल जी श्रेष्ठ ऐसा बात है भगवान पहले आया था पहले नहीं पहले आई आई आया भूत गया काल की बात याद नहीं माटे नहीं था प्रभु एम न कहवाय एम कहने में तेरी नास्ती है होगी। अनंत काल गया उसका तुम भूल गए तुमको तो खबर नहीं है पहले जन्म होता है ना बालक का तो पहली आंख नहीं खोलते हो देखा है कभी
એની માને ખબર નહીં હોય. બાળક જન્મે પેલી આંખ ઉગાડે નહીં, પેલા ઉવા એમ કરે ઉવા, પીછે માતા તપાસ કરે કે લડકી હે કે લડકા હે. બીજી માલું પડે છે. હા હા હા, તો દૂસરા કે ના હૈ કે એ બાત સબ વિધ ગઈ હૈ આત્મા ઉપર, ખબર નહીં હૈ. પણ ખબર નહીં હૈ નહીં થા. હા હા, માતા કો તો સબ ખબર હૈ કે આ બાળકો મેં કેસે જમા દવરાવ્યા, કેસે જંગલ ગયા, કેસે સુધાર્યા, એ સબ માતા કો તો સબ ખબર હૈ. એમ ભગવાન કો ત્રણ કાળ ત્રણ લોક કી ખબર હૈ. એ લડકા કો ખબર નહીં, માટે નહીં થાય એસે કેમ કહેને મેં આતે પ્રભુ. એમ અનંત કાળ ભગવાને દીક્ષા ટીકાવ, માતા ને જેમ ખબર હૈ બાળક કો એસે મેં કિયા થા. એસે ભગવાન કો તીન કાલ તીન લોક કા દિખના હૈ. એ દુનિયા સપને મેં ન ના માને તો ન માને તો એ કે નહીં નહીં હૈ એસા હો જાતા હૈ. હા હા હા, આવી વાત હૈ ભગવાન. હા હા હા, આઈ કહેતે હૈ ત્રીજો બોલ પાંચમો બોલ કે અપને દ્રવ દ્રવિટ વસ્તુ હે, અપને દ્રવ અપને ક્ષેત્ર, અપને દ્રવ ક્ષેત્ર ચાર બોલવું એ પીછે. અનેક આયા અનેક પીછે, અનેક પીછે અપને અપને દ્રવ ક્ષેત્ર કાળ ભાવ રૂપ સે હોને કી શક્તિ રૂપ સ્વભાવ હૈ એ અતત અનેક પણ પીછે આયા. હા હા, ક્યા કહે છે આત્મા ઉચ્ચાર બોલ તો હો ગયા તત અતત એક અનેક. હવે આઠ બોલ દૂસરા લેતા હૈ કે અપને દ્રવ એટલે વસ્તુ, ક્ષેત્ર એટલે અસંગ પ્રદેશી, કાળ એટલે ત્રિકાળ રહેનારા અને ભાવ એટલે શક્તિ. એસી હોને કી શક્તિ રૂપ સ્વભાવ અપના હૈ, અપના દ્રવ ક્ષેત્ર કાળ ભાવ રૂપ સે હોને કી શક્તિ રૂપ જો સ્વભાવ હૈ વહ સ્વભાવવાન પણ કે દ્વારા એસે સ્વભાવ વાળી હોને સે સત હૈ, સત હૈ. ક્યા પ્રભુ કે અપના દ્રવ્ય જે વસ્તુ હૈ, અપના ક્ષેત્ર જે અસંગ પ્રદેશ હૈ આત્મા, અપના કાળ હૈ તીન કાળ મેં રહેને વાળા અથવા એક સમય કી અવસ્થા ઓર તીન અનંત ભાવ ગુણ હૈ, તો અપના દ્રવ્ય ક્ષેત્ર કાળ ભાવ સે આત્મા હૈ, અપના દ્રવ્ય ક્ષેત્ર કાળ ભાવ સે અપના સત્વ હૈ, સત હૈ, સત્વ હૈ. હા હા હા, સત્વ હૈ, અપને સે સત્વ હૈ, પરસે નહીં. અપને દ્રવ ક્ષેત્ર કાળ ભાવ રૂપ સે હોને કી, ભાવ રૂપ સે ભી હોને કી, શક્તિ રૂપ સે ભી હોને કી, કાળ રૂપે ભી હોને કી. આ સત્ય એટલે ભાવ, કાળ એટલે પર્યાય. અપના દ્રવ્ય વસ્તુ ક્ષેત્ર અસંગ પ્રદેશી, કાળ અપની પર્યાય, ભાવ અપના અતિકાળી ગુણ, એ અપના દ્રવ્ય ક્ષેત્ર કાળ ભાવ ઉસે આત્મા હૈ, એ સત્વ હૈ. ભાષા તો હાદી આવે પણ પ્રભુ કઈ દરકાર ક્યાં નહીં. આ જૈસે સંસાર કી રસ પડતે હૈ, દુકાને બેઠો એમાં થોડું ઉપર આ હા હા
जोई लो पागल, हमारे तो सब दिखाए, दुकान भी चलाइए ना, हम तो 5 वर्ष दुकान भी चलाइए 63 से 68, पर तो संवत 1963 से 68, 5 वर्ष। पिताजी हम 20 में उमराले जन्म हुआ, यहाँ से 11 में 13 वर्ष त्या रहा, और 46 में जन्म, 59 की साल में गई हम पारी, भरूत ने वडोदरा बीचे पारी ने 59 पिताजी था, तो पिताजी 4 वर्ष रहे, 59, 60, 61, 62, 63 में गुजर गई। तो 63 से 68 में हमें भाग में मत दुकान चलाए, तो एक ला पाप। उंगराणी करते थे पैसा माल, पैसे उंगराणी जाते थे हम, उंगराण क्या कहते हैं, उंगराण कहते हैं। आई कह रहे प्रभु तेरा द्रव्य वस्तु, तेरा क्षेत्र पौड़ाय, तेरा काल वर्तमान पर्याय, तेरा भाव त्रिकाली गुण। हा, अपने द्रव्य क्षेत्र काल भाव से है अपने, द्रव्य क्षेत्र काल भाव रूप से होने की शक्ति रूप स्वभाव है, ये तो उसकी शक्ति रूप स्वभाव है, पर्याय होने की भी शक्ति रूप स्वभाव है, गुण होने की तो त्रिकाली शक्ति भाव स्वभाव है, द्रव्य रहने का त्रिकाली स्वभाव है, और असंग प्रदेशी क्षेत्र ये तेरा स्वभाव है। हा हा छोटा भाई आऊ जीवन आया से बराबर टाइम सर आया। थोड़ा में बहुत हुआ सर, सारा समय सार की सार है उसमें भर दिया है। हाँ, जिसको दरकार है तो कहते हैं आप बोल 5, 6, 7, 8 ऐसे आया, 4 बोला गया है, तत्त एक अनेक चार है, अरे 4 दूसरा द्रव क्षेत्र काल भाव विचार, 4 से होने की शक्ति रूप जो स्वभाव है, उस स्वभाववान पने के द्वारा, इस स्वभाववान पने के द्वारा, ऐसे स्वभाववान होने से आत्मा सत्व है, सत है, सत्व है, सत्व है, सत का सत्व है। सत्व दिए भाई, नहीं तो सत है यानी सत्व है, 4 सत्व है। धीमे धीमे समझना प्रभु, आत्मलोकिक बात है, दुनिया ने राजी राखवा सभा में एवी बातों करे, दुनिया राजी राजी थे, ऐसा करना ऐसा करना ऐसा करना, अरे प्रभु तेरे द्रव क्षेत्र काल भाव में तुम है, तो उससे निकलकर बाहर क्या जाता है तुम। समझ में आया, अपने द्रव क्षेत्र काल भाव से सत्व है, और पर के द्रव स्त्री कुटुंब परिवार भगवान भगवानी वाणी ये बहु परद्रव है, परद्रव पर क्षेत्र आकाश आदि में रहने वाला क्षेत्र जो है ये भी पर क्षेत्र, पर काल आत्मा शिवाय ने पर कालनी अवस्था, अने पर भाव आत्मा शिवाय अनंत द्रव्यना अनंत गुणों ये भाव। आत्मा शिवाय, शिवाय क्या कहते हैं, अलावा, अलावा क्या, आत्मा शिवाय अलावा शिवाय अनंत द्रव क्षेत्र काल भाव रूप
न होने की शक्ति, ये चार पणे आत्मा में न होने की शक्ति है। ऐसे क्या कहते हैं, अपनी शक्ति पणे रहने की शक्ति है, डालतन भाई तरीके रहने की शक्ति नहीं, इन कहते हैं। अशेष हूँ डॉक्टर जो एम दरिए नहीं, अपना द्रव क्षेत्र का अभाव है, वरना द्रव क्षेत्र का अभाव है अत नहीं। तो परद्रव्य में तो लड़का, पैसा, घर, मकान, स्त्री, कुटुंब, दागीना, दागीना जेवर, जेवर, वस्त्र सब परद्रव्य है। परद्रव्य से आत्मा नाचती है, परद्रव्य से आत्मा असत है। अरे कमी नरकारे क्या, अपना द्रव क्षेत्र काल भाव है, पर का द्रव क्षेत्र काल भाव से है नहीं। तो परद्रव्य में क्या आया, विकल्प से मानकर, दयादान का विकल्प से मानकर, भगवान त्रिणरूप का नाथ ने पंच परमेष्टी और स्त्री कुटुंब परिवार मकान पैसा लक्ष्मी, ये परद्रव्य से तुम है नहीं, तेरा द्रव्य तेरे से है, परद्रव्य से तुम है नहीं। सादी भाषा है, पड़ती नहीं है, अपने से है, पड़ते नहीं है। दरकार नहीं है, एक प्रश्न किया आपका, छासी के साल में चौमासा था ना अमरेली, तो राम जी भाई था, सीधी तो 10 लाख रुपया था, पीछे तो 8 करोड़ रुपया हो गया। अमरेली राम जी हंसराज, तो तेजी 10 लाख रुपया था, 80 साल पीछे। अभी तो उसके मकान में ले गए थे पगला करने को मुंबई, 25 तो मोटा 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 अमलदारों दुकान मकान में काम करे, हजार हजार बब्बे हजार ना पगार वाला, इतना 25 जना बैठेला। हम गए थे, खड़ा हो गया कि तो आग है कौन, कि हमारा सब मानस है। तो ये भी 10 लाख की पूंजी थी जब हमारा तमाशा था, तो बात ऐसी आई कि महाराज आज झीणी रात पची नहीं छासी में। ऐसा प्रश्न हो गया, कहीं क्यों पैसा वाला मानस 10 लाख पे भी छासी में था। कितना वर्ष हुआ, 50 वर्ष। एक एक महाराज हमारी तो आज बात पहले से है। तो इस व्याख्यान में तीनों भाई आते थे, तीनों भाई रामजी भाई, नारायण भाई जैद जमशेदपुर बड़ी दुकान ने पैसा अभी आ गए ना, लड़का 50,000 दिया, बहन ने वजनामत पुत्रा माँ 50,000 दिया, लड़का आया, लड़का आया। तो इस सब में जहाँ बात चलती थी व्याख्यान की, उसमें ये नर शेठ बोले राम जी भाई, महाराज सूक्ष्म बात पचती नहीं, तो रोटी रोटले खाते हैं हमेशा के दो, जाप दिया एमा चार शेर घी पहला मेसू भावे मेसू, तो तुम एम कहेगा अगर नहीं पचते एम कहेगा। हमेशा रोटी रोट खाते हैं, एमा मिश्रू आया, रसगुल्ला आया, अरे शक्कर पारा है क्या तुम्हारे, एक शेर गहू ने चार शेर लोट कर शक्कर पारा है। तो ये पासे रथ से आया तो तुम ना पड़ेगा कि हम नहीं पचेगा। अरे प्रश्न तो राम जी भाई बुझ गया बेचारा, घना 8-8 करोड़ रुपया यहाँ आने का बहुत भाव था।
जाओ जी वहां रहने क्या था गुरु जी बेग छुट गया। हाँ 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 आया था तर कह क्या था अगर यहाँ आना है आए रहना है क्या मोटो करोड़पति અને બે બે પાંચ પાંચ લાખ રૂપિયા આપે દાદા અમને ત્યાં ઘૂંચાઈ ગયા ક્યું આપે છે એસી ચીજ આઈ થાલી મેં ના પડતે કે નહીં પચે એસા નહીં હો એસે અત્યાર સુધી તેરે ધૂળની વાતો સુનિયા તેરે બહાર કી પુણ્ય પાપ કી રોટી રોટી ખાયા રોટી રોટી હવે એ નહીં ને આત્મા આનંદ મૂર્તિ હે સૂક્ષ્મ વાત આતી હૈ તેરે ભાગ કાન મેં પડે નહીં બોલી થાલી મેં આતે થાલી મેં આતે નહીં પડતે એમ કહેતે હૈ એમ કાન મેં આતે નહીં પડતે એમ તું કહેતે હે સામો હા હા એમ એમ કે હવે હવે ખાવી ધીમે 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 ઓગાળી ઓગાળી ખાવ લોકો એમ કહેતે ને અંગ્રેજીમાં કે ભાઈ પેટમાં દાંત નહીં અંગ્રેજીમાં એમ કહેતા ભાઈ કહેતા રામજીભાઈ અંગ્રેજીમાં પેટમાં દાંત નહીં ભાઈ અહીં ઓગાળી ઓગાળી બરાબર ચાવી 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 ને ઝીણું કરીને ખાવા જેથી એવું પચે અંગ્રેજીમાં કહેતે પેટમાં દાંત નહીં એ કોણ ચાવે ને કોણ લે પ્રભુ દાંત એ જળ હૈ તેરે સે હલે નહીં ચલે નહીં ક્યાં ચાવી શકે પ્રભુ તું અહીં તો એ કે તે પરદ્રશ હૈ તેરી નાસ્તી હૈ સાંધીભાઈ આ બધા પૈસા વાળા લાખો પતિઓ બધા કરોડપતિઓ ધૂળપતિઓ બધા મોટી દુકાન જવેરિયતની 25 માણસ તો હીરાનું કામ કરતા હતા એક એક ને મહિને 1,000-1,500 દેને પડે છે એવા 25 કામ કરતા હતા મેં એક દો આ મહેનત કરી આ મજૂરી હે તો એ સંધ્યા તમારે મેળવી પર આવી હતી ને મજૂરી હે પાપણા પોટલા બાંધ કર ક્યાં જાના આઈ કહેતે હૈ કે અપને દરેક ક્ષેત્રકાળ ભાવ સે હૈ પર કે દરેક ક્ષેત્રકાળ ભાવ રૂપ સે ન હોને કી શક્તિ રૂપ જો અપના સ્વભાવ ભાષા દે પા પર કા દરેક રૂપે ન હોને કા તેરા સ્વભાવ પર કા ક્ષેત્ર રૂપે ન હોને કા તેરા સ્વભાવ પર કી પર્યાય કા કાળ કા ન હોને કા તેરા સ્વભાવ ઓર પર કા ગુણ જે હૈ અંદર મેં ભર્યા ઉસે ન હોને કા તેરા સ્વભાવ જેણી હૈ મઠોલાલજી શેઠ પણ આપ સમજ ના પડી ગયા પ્રભુ અમારે તો સબ પ્રભુ હૈ ભગવાન હૈ અંદર અરે ક્યાં ક્યાં દરેક મેં મેરા આત્મા મેરા દ્રવ્ય વસ્તુ ક્ષેત્ર પ્રદેશ કાળ અવસ્થાન ભાવ અહીં તો એ લ્યા હૈ પર્યાય આપણી બહેન અહીં કાળમાં પછી એક સમય કે પર્યાય લ્યા હૈ પણ 152 જાત એક કળશ હૈ 252 એ કળશ મેં એસા લ્યા હૈ કે આત્મા ત્રિકાળ રૂપે વસ્તુ હૈ એ દ્રવ્ય હૈ ઓર ઉસમે વિકલ્પ ઉઠાના એ પરદ્રવ્ય હૈ દૂસરા તો પરદ્રવ્ય હૈ હી પણ અપના દ્રવ્ય જો હૈ અખંડાનંદ પ્રભુ ઉસમે વિકલ્પ ઉઠાના આત્મા આદ્ર એ વિકલ્પ કો ભી પરદ્રવ કહે દિયા હૈ ઓર પર ક્ષેત્ર કો આત્મા અસંગ પ્રદેશ હૈ એક રૂપ હૈ ત્રિકાળ ઉસમે અસંગ પ્રદેશ મેં આ પ્રદેશ ને આ પ્રદેશ
ऐसा विकल्प करना उसका नाम पर क्षेत्र है। बसें ब्राह्मण गाथा है, कलष्टिका में सब लिखा है, सब लिखा है बसें ब्राह्मण। देखो स्वद्रव एटले निर्विकल्प मात्र वस्तु, अद्रव क्षेत्र का भाव आया है ना। स्वद्रव एटले निर्विकल्प मात्र वस्तु, स्वक्षेत्र एटले 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 क्या कहते हैं तुम्हारे मतलब आधार मात्र वस्तु का प्रदेश स्वक्षेत्र, स्वकाव वस्तु मात्र निम्न अवस्था, त्रिकाल वस्तु में स्वकाल कहने मात्र। भगवान आत्मा त्रिकाल ही स्वकाव और स्वभाव इतने वस्तु ने मूल नहीं सहज शक्ति स्वभाव। आहा ठीक याद आ गया, अधर क्षेत्र का भगवान याद आ गई कौन है। यहाँ तो इतना ही लिया है कि अपना द्रव्य क्षेत्र का भाव से सत्व है और पर द्रव्य विकल्प से मांडे पर द्रव्य पर क्षेत्र आकाश आदि के मकान। हाँ तो मकान का अधिपति त्या लग होता है जहाँ मकान की मकान बनाया दो चार मैल का मकान बेड़ी का, तो ऊपर दस में कोई आसपास में जमीन लेकर उसमें बीस में मावा बनाए ऊपर बनवाना दे, ये मेरा मेरा अवकाश है सारा। आकाश पाता सुधी मेरा आधार है। फिर तुम्हारी बात बदी सब जानते हैं, सबकी सबकी सब तुम्हारी। हाँ हाँ विष माल का मकान बनाया है, 125 के तन 135 का मकान। हमें ऐसा कोई निकले अब्दुलपति के बे बाजू जमीन लेने ऊपर 135 ऊपर क्या ही आगर लेन लेने बनावे तो बनवाने दे, ये मेरा अधिकार आकाश का है, नीचे से ऊपर आकाश आकाश। आए कहते स्वक्षेत्र आधार मात्र वस्तु ना प्रदेश स्वक्षेत्र, स्वकाल वस्तु मात्र मूल दशा स्वकाल है और स्वभाव वस्तु ने मूल नहीं सहज अशक्ति। मैं परद्रव्य एटले रजकर्म आदि बायड़ी कुटुंब पैसा लक्ष्मी आबरू कीर्ति शरीर कर्म तो परद्रव्य है ही, पण परद्रव्य अर्थे सविकल्प भेद कल्पना। आ एक रूप चीज है उसमें कल्पना करना का आत्मा है नाम ऐसा विकल्प उठाना उसको यहाँ परद्रव्य कहते हैं। ये परद्रव्य से भी आत्मा नास्ती है। पूजनीय बात है। अरे सकाव टिकाली वस्तु स्वक्षेत्र आधार मात्र वस्तु ना प्रदेश वस्तु ने गुण मूल अवस्था शक्ति का स्वभाव एटले वस्तु ने मूल ने परद्रव्य एटले सविकल्प भेद कल्पना। और पर क्षेत्र एटले वस्तु ना शक्ति। आधारभूत प्रदेश निर्विकल्प असंग प्रदेश एम वस्तु मात्र रूपे कहा था ए प्रदेश सविकल्प आधारभूत प्रदेश। असंग प्रदेशी में प्रदेश है ऐसा विकल्प उठाना ये पर क्षेत्र है। 252 का था कवच है संदेह। पर द्रव्य एटले एक स्वद्रव्य में विकल्प उठाना ये परद्रव्य, असंग प्रदेशी क्षेत्र में विकल्प उठाना ये पर क्षेत्र, और टिकाली वस्तु में आ जी निर्विकल्प अवस्था टिकाली है
उसमें भेद रूप कल्पना की परकाव, वर्तमान में एक समय नी अवस्था, ये त्रिकाल नी अपेक्षा है, त्रिकाल रहने वाला ये प्रकाल, वर्तमान एक समय की अवस्था है परकाव। ऐसा ध्रुव क्षेत्र काल से भी है नहीं, अरे प्रभाव, इतने द्रव्य सहज शक्ति ना पर्याय रूप अनेक अंशो, जे गुण ना अनेक भेदो, ये भेद कल्पना। आत्मा में आनंद गुण भाव है, ये स्वभाव टिकाओ, भेद में विचार विकल्प उठाना का ज्ञान या दर्शन है, उसको प्रभाव कहते हैं। ये जो बात है प्रभाव के भाई से, बस है 52 कलश है वो, यहाँ कहते हैं कि अपना द्रव्य शिवाय अलावा सब द्रव्य विकल्प मात्र, क्षेत्र ना भेद मात्र, काल नहीं एक समय मात्र, भाव नहीं अनंत गुण में एक गुण का भेद मात्र, ये सब पर द्रव्य क्षेत्र काल भाव से नास्ती है। अभी बात है नरकार करी लेती है, अनादिति जगत ना रस पीड़ा रस। पर द्रव्य क्षेत्र काल भाव पर वस्तु की तो नास्ती है ही, तो अपनी अपने द्रव्य क्षेत्र काल भाव में भेद कल्पना का विचार उठाना, यही परद्रव्य पर क्षेत्र पर काल पर भाव है। ये प्रभाव न होने की शक्ति रूप स्वभाव है, उस स्वभाव पने के द्वारा असत है, वो कारण से तो ये असत है, अपने द्रव्य क्षेत्र काल भाव से सत है, भाई भेद रूप से द्रव्य क्षेत्र काल भाव अने पर उसे असत है, तो उसकी दृष्टि त्रिकाली द्रव्य पर लेनी आती है। ये माचे असत कह देना आता है विशेष कहीं।